नमस्कार दोस्तों, अनपुर नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बनाने जा रही हूं ग्वारफली काचरी की सब्जी, जिसके लिए मैंने 3 कचरी ली है और 500 ग्राम ग्वारफली ली है, जिसको धो के इस तरह पीसेस में मैंने काट लिया है। और 2 हरी मिर्च ली है, 8-10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको कूट लिया है। काचरी को हम छील कर धोकर और चक के काट लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी कड़वी भी आती है। काचरी को मैंने पीसेस के अंदर काट लिया है चककर, ये कड़वी नहीं है। अब हम मसाले मिलाएंगे। 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मिर्ची कम डालें। अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर लाल कश्मीरी मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है सब्जी के अंदर। गरम मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पे हम इसके अंदर डाल देंगे हींग 2 पिंच के करीब, और साथ ही हम डाल देंगे साबुत जीरा 1 चम्मच। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले जो हमने भिगो के रखे थे लहसुन के अंदर, वो सारे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और मसालों को हम भून लेंगे। मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता। देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसके अंदर ग्वारफली डाल देंगे। ग्वारफली को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और ग्वारफली को हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, ग्वारफली और काचरी। आप इसके अंदर आलू भी डाल के बना सकते हैं। देखिए, मैंने मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और इसे ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं पानी सूख गया है और फली का कलर भी चेंज हो गया है और ये पक गई है हमारी फली। अब हम इसके अंदर कटी हुई कचरी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। कचरी बहुत जल्दी गल जाती है फ्रेंड, इसलिए आप सब्जी बनने के बाद ही इसे डालना है, क्योंकि इसे फिर 1 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। एक मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे। देखिए, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। ये सॉफ्ट हो गई है, पानी भी इसका हल्का सूख गया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। सब्जी बनने के बाद ही आप इसे डालकर 1 मिनट तक ढककर पकाएं और ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। देखिए, ये हमारी सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सब्जी को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी ग्वारफली और कचरी की सब्जी तैयार है खाने के लिए। बहुत टेस्टी बनी है, आप ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।